नमस्कार, 10 मिनट किचन में आपका स्वागत है। आज हम स्पेशल कढ़ी बनाने जा रहे हैं, जो राजस्थान में बाटी के साथ बनाई जाती है और शादियों में बनाई जाती है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट्स में लिख के बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। तो कढ़ी बनाने के लिए हमने लिया है 200 ग्राम दही। आप छाछ भी ले सकते हैं, छाछ में भी बहुत अच्छी कढ़ी बनती है। 80 ग्राम बेसन। कढ़ी कई तरह की बनती है, गुजराती कढ़ी, सिंधी कढ़ी, पंजाबी कढ़ी, ये राजस्थानी स्पेशल कढ़ी है। दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, लहसुन की चटनी और ये वाली कढ़ी, ये कॉम्बिनेशन है। कोई सवा मणि हो, कोई शादी ब्याह हो, जब तक दाल बाटी चूरमा नहीं बने तब तक तो फंक्शन अधूरा ही रहा। तो इसके लिए, कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले इसमें डालेंगे 200 ग्राम दही, 80 ग्राम बेसन। अब इसको मिक्स करेंगे। 6 जनों के लिए ये कढ़ी पर्याप्त है। एक भी लम्स नहीं पड़ा है इसमें। अब हम पानी मिला देंगे। इस तरह से दही और बेसन को मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें मिक्स करेंगे 1 लीटर पानी। एक टीस्पून नमक, 1 चम्मच नमक, हल्दी, हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लेवल से लाल मिर्च पाउडर, आप स्वादानुसार भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। अब हम कढ़ी छौंकेंगे। इसमें डालेंगे हींग, 1/2 छोटा चम्मच जीरा, तेजपात, मराठी मुक्कू 1, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1/2 अनानास का फूल, 1 चने के बराबर जायफल का टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा जावित्री का, 4 लौंग, 8-10 काली मिर्च, 2 छोटे छोटे टुकड़े दालचीनी, दाना मेथी, 1 छोटी चम्मच राई, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, 8-10 पत्ती कड़ी पत्ता, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट। अब हम इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे। मसाला भून गया है, अब इसमें हम ये कढ़ी का घोल डाल देंगे। अब हम इसे हिलाएंगे जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाएगा। अब जरूरी नहीं है इसको चलाया जाए, क्योंकि इसमें उबाल आ गया है। अगर आप हाई फ्लेम पे पका रहे हैं तो 1/2 घंटा पकाएं, और अगर लो पे पकाना है तो 45 मिनट पकाएं कढ़ी को। मैं लो फ्लेम पे पकाऊंगी इसको 45 मिनट तक। अगर हाई फ्लेम पे पकाते हैं तो पानी भाप बनके बहुत ज्यादा उड़ जाता है, कढ़ी गाढ़ी हो जाती है, तो हमें बीच में थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ता है। और आपको भी कभी जल्दी हो, आप हाई फ्लेम पे पका रहे हो तो आराम से पानी ऐड कर सकते हैं और खौला लें उसको। पानी ऐड करने के बाद कढ़ी को थोड़ा 10-5 मिनट और पका लें। 45 मिनट कढ़ी पक गई है। जब कढ़ी की कंसिस्टेंसी ऐसी हो,
तभी गैस के फ्लेम को ऑफ करके और रीछौंक तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज्यादा गाढ़ी हो गई तो जब आप इसे रखेंगे तो ये और गाढ़ी हो जाएगी। तो जब इस तरह की हो तभी गैस के फ्लेम को ऑफ कर दें। अब हम कढ़ी में रीछौंक लगाएंगे, तो हमने गैस पे बर्तन चढ़ा दिया है, इसमें 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। ध्यान रखना कि ये घी ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ज्यादा गर्म में अगर कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी तो वो काली हो जाती है। तो अब हम इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, इससे कढ़ी का कलर बहुत अच्छा आता है। कढ़ी परोसने के लिए तैयार हो गई है। तो कढ़ी बनाने के लिए हमने लिया है 200 ग्राम दही, आप छाछ भी ले सकते हैं, छाछ में भी बहुत अच्छी कढ़ी बनती है। 80 ग्राम बेसन। कढ़ी कई तरह की बनती है, गुजराती कढ़ी, सिंधी कढ़ी, पंजाबी कढ़ी, ये राजस्थानी स्पेशल कढ़ी है। दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, लहसुन की चटनी और ये वाली कढ़ी, ये कॉम्बिनेशन है। कोई सवा मणि हो, कोई शादी ब्याह हो, जब तक दाल बाटी चूरमा नहीं बने तब तक तो फंक्शन अधूरा ही रहा। तो इसके लिए, कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले इसमें डालेंगे 200 ग्राम दही, 80 ग्राम बेसन। अब इसको मिक्स करेंगे। 6 जनों के लिए ये कढ़ी पर्याप्त है। एक भी लम्स नहीं पड़ा इसमें। अब हम पानी मिला देंगे। इस तरह से दही और बेसन को मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें मिक्स करेंगे 1 लीटर पानी। एक टीस्पून नमक, 1 चम्मच नमक, हल्दी, हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लेवल से लाल मिर्च पाउडर, आप स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। अब हम कढ़ी छौंकेंगे। इसमें डालेंगे हींग, 1/2 छोटा चम्मच जीरा, तेजपात, मराठी मुक्कू 1, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1/2 अनानास का फूल, 1 चने के बराबर जायफल का टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा जावित्री का, 4 लौंग, 8-10 काली मिर्च, 2 छोटे छोटे टुकड़े दालचीनी, दाना मेथी, 1 छोटी चम्मच राई, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, 8-10 पत्ती कड़ी पत्ता, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट। अब हम इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे। मसाला भून गया है, अब इसमें हम ये कढ़ी का घोल डाल देंगे। अब हम इसे हिलाएंगे जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाएगा। अब जरूरी नहीं है इसको चलाया जाए, क्योंकि इसमें उबाल आ गया है। अगर आप हाई फ्लेम पे पका रहे हैं तो 1/2 घंटा पकाएं
और अगर लो पे पकाना है तो 45 मिनट पकाएं कढ़ी को। मैं लो फ्लेम पे पकाऊंगी इसको 45 मिनट तक। अगर हाई फ्लेम पे पकाते हैं तो पानी भाप बन के बहुत ज्यादा उड़ जाता है, कढ़ी गाढ़ी हो जाती है, तो हमें बीच में थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ता है। और आपको भी कभी जल्दी हो, आप हाई फ्लेम पे पका रहे हो तो आराम से पानी ऐड कर सकते हैं और खौला लें उसको। पानी ऐड करने के बाद कढ़ी को थोड़ा 10-5 मिनट और पका लें। 45 मिनट कढ़ी पक गई है। जब कढ़ी की कंसिस्टेंसी ऐसी हो तभी गैस के फ्लेम को ऑफ करके और रीच ऑफ तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज्यादा गाढ़ी हो गई तो जब आप इसे रखेंगे तो ये और गाढ़ी हो जाएगी। तो जब इस तरह की हो तभी गैस के फ्लेम को ऑफ कर दें। अब हम कढ़ी में रीच ऑफ लगाएंगे तो हमने गैस पे बर्तन चढ़ा दिया है, इसमें 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। ध्यान रखना कि ये घी ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। ज्यादा गर्म में अगर कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी तो वो काली हो जाती है। तो अब हम इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, इससे कढ़ी का कलर बहुत अच्छा आता है। कढ़ी परोसने के लिए तैयार हो गई है।